हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है आप इंग्लिश में 8 नंबर कैसे लाना है वो सीख जाएंगे। आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता है, ABCD भी नहीं आप जानते हैं, फिर भी आपको जो है कैसे सिखाया जाएगा, ये ट्रिक एक्सपर्ट जरा ट्रिक के दादा कहल जाता है ओकरा से आप सीखिए, है कि नहीं। देखिए वो पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये एग्ज़ाम में इंग्लिश में जो है 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये दूसरा नंबर प्रश्न होता है। पहला पे ऐसे लिखना होता है, दूसरा पे एक्सप्लेन, और तीसरा पे भी जो है एगो रहता है ऐसा प्रश्न एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन ये दोनों में फ़र्क का है तो एगो दूसरा नंबर वाला जो रहता है उसमें सिर्फ पोएट्री सेक्शन के जितना भी चैप्टर है उससे रहता है, और तीसरा में प्रोज सेक्शन के जितना भी चैप्टर है उससे रहता है। तो आप जो हैं समझदार व्यक्ति इस वीडियो को नहीं देखेगा, जो इंग्लिश ज़्यादा जानता है वो मत देखना सब, हम उसके लिए वीडियो बनाते हैं जो आज तक पढ़वे नहीं किया इंग्लिश और इंग्लिश में मार्क्स लाना चाहता है उसके लिए। पहले कुछ कमेंट करे से पहले सुन लो वीडियो में का कहल गईल है, का हम आपको सिखाएंगे, उसके बाद ही कमेंट करना। ऐसा ही कुछ कुछ लिख देता है सब, खा जाने की समझदारी है कि नहीं है। चलिए अब जो है क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कह रहा है कि जो नीचे दिया गया है फॉलोइंग नीचे दिया गया है ओकरा में से एनी मतलब कि कोई एक को जो है एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कहे के मतलब कि व्याख्या करना होता है। अब हमरा बारे में कोनो आपका दोस्त आया आपसे पूछा कि सनी सर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए यानी कि व्याख्या कीजिए, आप का करेंगे का? आप मेरा नाम बताएंगे, हम का पढ़ाते हैं वो बताएंगे, है कि नहीं, कैसे पढ़ाते हैं वो बताएंगे, कहाँ मेरा घर है वो बताएंगे, हो गया व्याख्या। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे माता पिता का नाम बताएंगे, व्याख्या हो गया। तो वैसे ही तो एकरो कड़ल जाता है, लेकिन कड़ल जाता है लेकिन इंग्लिश तो आते ने बा हमरा, तो कड़ल कैसे जाएगा सर, ये आपके मन में प्रश्न चल रहा है। चलिए तो 4 गो रहता है ABCD, ओकरा में से एगो आपको बनाना है। अब पहला बात इसमें जो है आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एगो लिंक है कि हाउ टू रिमेंबर चैप्टर एंड राइटर नेम, यानी कि लेखक और लेखक के नाम को कैसे याद करें, लेखक और जो होता है चैप्टर और लेखक के नाम उसको याद कैसे करें, वो याद कर लीजिएगा तो इतनी आसानी से बनेगा। पहला बात ये आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन चैप्टर से है, ये लाइन जो 2 लाइन लिखल है ये कौन चैप्टर से है, उसके राइटर कौन है। फिर जो है ये बी नंबर है, ये कौनो एगो कह रहे हैं कि एनीवन, चारों में से कौनो एगो के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए कि कौन चैप्टर से लिया गया है, एकर लेखक कौन है, इतना सिर्फ आपको मालूम रहना चाहिए। मालूम रहने के लिए क्या प्रोसेस है, जितना यूट्यूब पे एक ही गो चैप्टर के बउआ लेखा समझा के जो है यूट्यूब पे डालल है, इंग्लिश के पूरा चैप्टर, ठीक है, इंग्लिश के 1 से लेके प्रोज पूरा और पूरा जो है पोएट्री सेक्शन का वीडियो अपलोड करल है, एकदम लड़का लेखा समझावल है कि एकरा का कहल जाता है, ये कैसे पढ़ल जाता है, समझ गए, जाके वो देखिए। पहले प्लेलिस्ट में 2023 टॉपर बैच इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनल है। तो अब आइए एकरा बनाएंगे कैसे, बात तो ये है, जैसे कि अब कहेंगे सर हम जान गए कि कौन चैप्टर से है, जैसे लिखल है Can you that I lived in such a house and was proud and loved? If suppose that कि आप जान गए कि कौन चैप्टर से है, आ चाहे हम बता दिए कि चैप्टर जो है माई ग्रैंड मदर हाउस से है, माई ग्रैंड मदर हाउस उसी चैप्टर से जो है ये लाइन लिया गया है, ठीक है। आई चैप्टर के पहचाने के तरीका जानते हैं क्या है, हाउस जोन में लगल रहे समझिए कि माई ग्रैंड मदर हाउस से है, तो ये चैप्टर से जो है इलाइन लिया गया है। अब सर आप एक वाव बात कहेंगे कि हम यहो जान रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर हाउस के राइटर कौन हैं, तो कमला दास,
ठीक है, आप वीडियो देख के आ गए आ ई जो है आप जान गए कि कौन चैप्टर है आ उकर राइटर कौन है, ई जान गए। खेला इज तक खत्म हो गया। अब बताइए ट्रिकवा का होगा। ट्रिकवे लता आप आए हैं, मेन प्रोसेस वही है। अब देखिए इसका व्याख्या हमको करना है, कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना? तो क्वेश्चन नंबर 2 2 के कौन वाला हमने के बना रहे हैं? पहला हमको नहीं आया, ठीक है, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, हमको चौथा आया। तो चौथा यानी 2 के डी नंबर हम बनाएंगे, ये क्वेश्चन हो गया। एकर नीचे लाइन वाला में जो है हम आंसर लिखेंगे, आंसर आ लिखे ला स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर लिख के आई लाइन में कुछ नहीं लिखते हैं हमने के, आंसर वाला में जो है हमने के लिखेला स्टार्ट करते हैं। कॉपी केने वाला भाग में क्वेश्चन लिखल जाता है, क्वेश्चन नंबर इतना तो लईका लेखा आप समझते होंगे, उतनो जैसे कि नहीं है अनसमझदार। चलिए अब हम आपको लिखना बताते हैं। लिखेंगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम दिस लाइन, दिस लाइन्स लिखेंगे। लाइन्स कहला तो बहुत ये जो है एगो लाइन है, ले है लाइन भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे कि दू गो है तो दू गो लगा लिखें, लाइन्स लिख सकते थे। एगो है तो एगो ला लाइन, तो लाइन अभी लिखते हैं। दिस लाइन इज फिर टेकन फ्रॉम, टेकन मीन्स लेना होता है। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम कौन चैप्टर से लेवल गई है? तो वही चैप्टर का नाम लिखेंगे। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर हाउस। यहाँ तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? काची हम कुछ तब भारी ऐसा वर्ड नहीं लिखे हैं कि जो आपको नहीं आए। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम जौन चैप्टर रहे उस चैप्टरवा का नाम लिखेंगे, माई ग्रैंड मदर हाउस, है कि नहीं? इतना लिख सकते हैं, दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर। चैप्टर ये लिख दीजिए चैप्टर, चलिए चैप्टर लिख दिए। एंड एगो लिखेंगे, एंड मीन्स और। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर एंड और दिस, और दिस चैप्टर इज, दिस चैप्टर इज रिटन बाई, दिस चैप्टर इज रिटन बाई। अब बताइए तो ये चैप्टरवा कौन लिखले है? दिस चैप्टर इज रिटन बाई कौन गलतिन हो? कमला दास, कमला दास, ठीक है, हो गया। दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस यानी कि जो लाइन है, यह लाइन जो है ये लाइन वाक्य कहाँ से लेवल गई है? माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर से। और इस चैप्टर के लेखक जो हैं कमला दास हैं। यहाँ हमने के फुल स्टॉप लगाएंगे, इतना में कौनो के कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे एगो आओ देखिए ई जो है क्वेश्चन आया आपके लिए, बट ब्यूटी वनिसेस ब्यूटी पासेस हाउ एवर रेयर रेयर इट बी। एक मतलब होता है कि जो सुंदरता होती है वो समय के साथ सुंदरता, जो सुंदरता होती है वो वनिसेस मतलब कि ख़त्म हो जाती है सुंदरता समय के साथ। हाउ एवर रेयर इट बी कितनों सुंदर रहिएगा उस समय के साथ ख़त्म होते जाएगा, इसलिए सुंदरता पे घमंड नहीं रहना चाहिए। चलिए आइए तनी अब जो है इसी का एक्सप्लेन करना होगा। तो एकर तो हमरा मालूम चल गया कि ब्यूटी आइल है, तो सुंदर औरत के कौन चैप्टर में जो है हम व्याख्या किए थे? तो एन इपिटाफ में। तो ई जो है एन इपिटाफ के जो है का है, एन इपिटाफ के जो है एन इपिटाफ से लेवल गई है। एक राइटरवा कौन हथिन? एन इपिटाफ, एन इपिटाफ ई टाफ मतलब कि ईट जो है पानी में डाल, पानी से आ गया वाल्टर डेला मारे, वाल्टर डेला मारे, ई वाल्टर डेला मारे, समझ गए सर कि ई जो है एन इपिटाफ, एक राइटर जो है वाल्टर डेला मारे। अब एक कैसे व्याख्या हमने के करेंगे?
वो बउआ लिखा ये दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम एन एपिटाफ चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय कौन तो वाल्टर डेला मारे हो गए इतना आ गया तो हई जो है देखिए हई बी नंबर ई बी नंबर जो है ई जो है आप बताइएगा आ कुछ नहीं करेला है कमेंट बॉक्स में जो इतना हम लिखे हैं न उहे अला लिख देवेला है अगर आप समझदार होंगे तब बिना समझदार के लिए कुछ नहीं है तो ई कहाँ से लेवल गई है इसके राइटर कौन है इतना लाइनवा जो है लिखेला है आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का है अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज फॉर समर हैज और ब्रिम्ड द क्लैमी सेल ई जो है इसका व्याख्या आपको करना है अब कहेंगे सर इतना लिख दे भाई तो चार नंबर मिल जाएगा चार नंबर दो लाइन में नहीं देगा इतनों बोर्ड जो है पागल नहीं है अब आपको क्या करना है यहाँ से पैराग्राफ चेंज करना है यहाँ से पैराग्राफ चेंज आ होई जो लिखल है नु हई ई अगर आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में ए बी सी डी ए ई एफ जी कुछ नहीं आता है आपको उतारे तो आता होगा देखा देखी अब यहाँ से लेके आप पूरा एकर नीचे जो है हम उतार देंगे किसके लिए हम बोल रहे हैं जिसको ए बी सी डी नहीं आता है उसके लिए हम बोल रहे हैं पहला बात समझ जा जो इंग्लिश आज तक पढ़वे नहीं किया है उसके लिए ये उपाय है ठीक है कि यहाँ के बाद जो है ये पूरा लाइनवा देखा देखी उतार द इतना तो कर सकलन चार नंबर में से एक नंबर भी कट गया ता पाइएगा इस चैनल पे कुछ बक के जा सकते हैं अब जो है जो पढ़ल लिखल आदमी है जो तनिक कुछ जानता है हमारा से ज़्यादा इंग्लिश जानता है उगड़ा लिए का है प्रोसेस तो दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम माई ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाई कमला दास इतना तो ओकड़ो लिखेला है चाहे ज़्यादा पढ़निहार रहे चाहे अंग्रेज रहे कौन रहे उतना तो लिखना ही पड़ेगा उसके बाद आप अगर इस लाइन को एक्सप्लेन कर सकते हैं रियल बात है अगर आप इंग्लिश जानते होंगे तो इसका हिंदी भी आप जानते होंगे कि एक मतलब क्या होता है तो इसका पूरा मतलब जो है इसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे कह रहा है कैन यू दैट आई लिव्ड इन सच ए हाउस एंड वॉज प्राउड एंड लवेड क्या आप जो हैं ऐसे घर में रहना पसंद करते हैं और गर्व करते हैं और उससे क्या प्यार करते हैं माने कि नानी के घर से में जो है आप रहना पसंद करते हैं कि नहीं उस घर पे जो है गर्व करते हैं उससे प्यार करते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे यस आई लिव इन सच ए हाउस एंड वाज प्राउड एंड लव्ड इसमें लिखते पैराग्राफ चेंज करके और बताइए एकरा से हल्का यूट्यूब पे सर्च मारिएगा कि एक्सप्लेन करेला है कैसे हो गई अब हमारा नहीं लगता है कि 2023 में जब आप इंग्लिश के एग्ज़ाम देंगे आ ई क्वेश्चन आवे कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अगर आपसे छूट जाए तो ये जो हम मेहनत अभी आपके साथ किए हैं वो पूरा का पूरा जो है बेकार जाता है ठीक है अब आपको सोचना है कि कैसे इसको करना है तो थोड़ा होमवर्क जो है आप लोगों के लिए है 2009 से लेके 2009 जानते हैं ना 2021 तक क्वेश्चन बैंक उठाइए उसमें जितना आपको प्रश्न मिले एक्सप्लेन खाली करे वाला एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ये जितना हेडिंग वाला प्रश्न आपको मिले वो सब के एक्सप्लेन कर दीजिए यकीन मानिए बोर्ड में ये प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं है ठीक है वीडियो देखे हैं तनी मानी भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना।